अमिताभ बच्चन ते तापसी पन्नू दी फिल्म बदला जिनू सुजय घोष ने डायरेक्ट किया है बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। मुंबई दे रेड चिलीज दे ऑफिस दे विच फिल्म दा म्यूजिक लॉन्च किया गया, इस मौके ते सारे काफी एक्साइटेड लगे। कुमार, सो या आई मीन वी डोंट, दिस इज नॉट अ फिल्म व्हिच इज अ म्यूजिकल, बट इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू स्ट्राइक द राइट कॉर्ड विद एटलीस्ट यू नो व्हाटएवर फ्यू सॉन्ग्स यू हैव इन दिस फिल्म, बिकॉज़ इट्स नॉट अ song driven yeah. kind of a film, so I'm happy we are opening it up with Kyun Rabba, so thank you so much. Thank you, and you said it's your favorite song, so thank you even more. Yeah, I heard it during the shoot of the film. We were shooting a few montages for the song, and I was like, I didn't honestly, when I was told ki hame song ke liye shoot karna hai, and I was like, ye song is picture mein kaise dalenge, kaisa song hoga, I think sirf formality ke liye koi song le aayenge, aisi feeling thi meri, but when we all heard it, we were like, I think we've got quite a good one for the standards we had set in our head ke is picture ke liye koi aisa sahi gana le aayenge sirf for the sake of it, but we got really lucky. So yeah, I think it's good to begin it with Kyun Rabba. इसमें हैव टू गिव क्रेडिट टू सोजॉय सर एंड सुनील खेत्रीपाल, दे बोथ जो हमारे प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर है फिल्म के, यानी मेरे से सिर्फ आई रिक्वेस्टेड देम कि यू नो आपकी फिल्म ऑब्वियसली इतनी डार्क एंड ऑल दोज थिंग्स यू नो सब्जेक्ट के साथ भी गाना रहना चाहिए, बट व्हेन समवन हियर्स इट ऑन द रेडियो ड्राइविंग दे शुड फील कि ये मेरा गाना है, इट्स माई लाइफ ऑल्सो, सो आई ऑलवेज ट्राई कि बैलेंस हो कि फिल्म के साथ ऑब्वियसली 100% जाए स्टोरी के साथ, बट कहीं ना कहीं एनी वन हु हियर्स इट फील्स कि इट्स समवेयर कनेक्ट्स टू देयर मोमेंट्स इन लाइफ एंड समथिंग दैट दे हैव बीन थ्रू, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, देन ओनली इट बिकम्स एवरीवन सॉन्ग। मुंबई विच फिल्म मिलन टॉकीज दा ट्रेलर लॉन्च किया गया, इस मौके ते फिल्म दी सारी स्टार कास्ट नजर आई अते काफी एक्साइटेड लगे। सारे ने इस मौके ते ट्रेलर लॉन्च दे विच मीडिया दे नाल गल्लां कीतियां अते कहा कि यह फिल्म बहुत ही खूबसूरत फिल्म है अते सब नूं यह फिल्म जरूर पसंद आवेगी। मैंने मेरा फिल्म इंडस्ट्री का पहला मेरा डेब्यू हुआ 2016 में, आई एम ओरिजिनली फ्रॉम कर्नाटका, सो माय फर्स्ट फिल्म वाज कन्नड़ा, वहाँ से मैंने तमिल में किया है एक्ट, तेलुगू में किया है, मलयालम में किया है, सो आई हैव एक्टेड इन फोर इंडस्ट्रीज। उससे पहले आई डोंट नो इफ यू वांट टू नो, बट मैं लॉयर रह चुकी हूँ, सो दैट इज एक और एक्स्ट्रा बैकग्राउंड, बट यस इट्स बीन 3 years एंड तीसरे साल में यहाँ पर मेरा डेब्यू हो रहा है। हम लोग कलाकार हैं गुरु, हमारा क्या है ना कि हम फुल्ली सेटिस्फाइड हो गए तो हम वी आर डेड, तो वो जो है कारवां चलता रहता है और चलना चाहिए। हाँ ये तो है, मैं बहुत खुश हूँ जहाँ जिस मुकाम पे मैं आया हूँ, जहाँ ऑडियंसेस मुझे लाई हैं। धीरे धीरे हमने शुरू किया था छोटे काम से, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, उससे आगे गए, सफ़र लंबा है तो नहीं अच्छा है, बहुत खुश हूँ मैं। मुंबई विच लोकमत अवार्ड दा आयोजन कीता गया, इस मौके ते बॉलीवुड दे कई सितारे इस अवार्ड नू लैण लई पहुंचे अते काफी एक्साइटेड भी दिखे। नायका फेमिना ब्यूटी अवार्ड 2019 दा आयोजन होया, इस मौके ते बॉलीवुड दे कई सितारे नजर आए। इस मौके ते तब्बू ने कहा कि उन्हां नूं नायका दे बारे च नहीं पता, लेकिन फिर भी इस दे 5वें साल दे विच ओ काफी एक्साइटेड है अते उसने कहा कि साडी बाहरी खूबसूरती दे नालों साडी अंदर दी खूबसूरती जरूरी है। आई डोंट नो, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम अटेंडिंग इट, सो आई एम श्योर आई कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ ग्लैमर एंड फैशन एंड ब्यूटी for sure. It's many things actually, but it's I think mostly it's how you feel from the inside, and of course aesthetics and personality.